अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शैम फैसल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर है कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी कॉमनली कॉल्ड द पिंक फैमिली और कर्नेशन फैमिली, यानी कैरियोफाइलेसी को हम यानी पिंक फैमिली और कर्नेशन फैमिली भी कहते हैं। एज अ फैमिली ऑफ फ्लावर प्लांट्स, और ये फैमिली यानी यह ज़्यादातर यानी फ्लावर प्लांट्स में हो। इट इज़ इंक्लूडेड इन द डाइकोटिलेडन ऑर्डर कैरियोफाइलेट्स इन द APG3 सिस्टम्स। और इसमें यानी डाइकोटिलेडन मौजूद हो, और इसका जो ऑर्डर है यानी कैरियोफाइलेट्स, और इसमें यानी अलॉन्ग साइड 33 अदर फैमिलीज और 33 यानी मुख्तलिफ फैमिली इसमें मौजूद हो, इंक्लूडिंग एमरतेसी फैमिली, केकटेसी एंड पोलेगोनेसी फैमिली। यानी और भी यानी इसमें जो यानी फैमिलीज मौजूद थे, यानी ये सिर्फ 3 फैमिलीज थे, और यानी और भी फैमिली इसमें मौजूद हो। अब यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यानी कैरियोफाइलेसी यानी इसको यानी हम यानी पिंक फैमिली भी कहते हैं। और इसमें यानी कंप्राइज अबाउट यानी इसमें यानी 80 जनरा मौजूद हो, और तकरीबन यानी 2100 तक इसमें स्पीशीज़ मौजूद हो पूरी दुनिया में। और इसमें यानी यानी एक लार्जेस्ट यानी यह ज़्यादातर यानी नॉर्थ टेम्परेट और यानी कोल्डर रीजन में मौजूद है। यानी ज़्यादातर यानी यह यानी कोल्डर और आर्टिक यानी सीज़न इस यानी इसमें यानी ये मौजूद हो। सर्टन जनरा आर पाउंड इन द साउथर्न हेमोस्फेयर एंड प्यू आर पाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। यानी कुछ जो है ना यानी कुछ जनरा यानी ये साउथर्न हेमोस्फेयर में मौजूद हो, और कुछ यानी इसमें यानी ट्रॉपिकल रीजन यानी माउंटेन में मौजूद हो। नेक्स्ट, और अब यानी इसका जो जनरल करेक्टर्स है यानी इसका जो फेमिलियर यानी इसका जो फ्लोरल करेक्टर्स है, इसमें यानी फ्लावर्स रेगुलर यूजली बाइसेक्सुअल हाइपोगोनियस यानी आर पैरागेनियस सिपल्स 4-5 प्री आर यूनाइटेड एम्ब्रिकेट परसिस्टेंस पिटल्स 4-5 ऑप्टन क्लेव्ड प्री स्टेमन्स 8-10 इंटू 2 होरल्स आर प्योर अपेरेंटली एब्लिस्टोडिमोनस। और इसमें यानी एब्लिस्टोडिमोनस, और इसमें यानी इसका जो यानी ये फैमिली प्लांट्स का यानी इस यानी इसमें जो रेगुलर यानी इसमें यानी बाइसेक्सुअल मौजूद हो, हाइपोगेमस मौजूद हो, या यानी पिराइगेनस मौजूद हो। इसमें यानी सिपर्स तकरीबन यानी 4 से लेकर 5 से इसमें सिपर्स हो, और इसमें जो पेटर्स मौजूद हो यानी 4 से लेकर 5 तक, और इसमें जो स्टेमर्स मौजूद हो यानी 8 से लेकर 10 तक इसमें स्टेमन मौजूद हो, और इसमें यानी 2 होरल्स मौजूद हो, इसमें यानी प्यू अपरेंटली एबडिप्लोस टिमोनस इसमें मौजूद हो। यानी इसमें यानी ये इसका फ्लोरल करेक्टर है, यानी इसमें यानी पेटर्स मौजूद हो, फ्लावर इसमें यानी ये रेगुलर और एक्टिनोमार्फिक हो, और इसमें कैलाग्स यानी 5 सीपल मौजूद हो, और करोला में यानी 5 से लेकर 4 तक पेटर्स मौजूद हो, और एंड्रोशियम यानी एंड्रोशियम इसमें यानी 10 से लेकर 8 इसमें यानी एंड्रोशियम मौजूद हो, और गाइनोशियम इसमें यानी 2 से लेकर 5 तक इसमें यानी कार्पेल्स मौजूद हो। नेक्स्ट, और अब यानी इसका जो डायग्राम है यानी कैरियोफाइलेसी का, तो इसमें यानी ये इसका डायग्राम है, ये फ्लोरल डायग्राम है इसका, और इसमें यानी ये इसका यानी कैरियोफाइलेसी का डायग्राम है। इसमें यानी पोस्टीरियर वो स्टेमस मौजूद हो, इसमें यानी ये पोस्टीरियर सिपर्स मौजूद हो, रिसिप्टेकल्स को इसमें, और इसमें ये इसका जो मेन एक्सिस है, और इसमें यानी ये नीचे यानी ब्रेक्ट इसमें मौजूद हो, और इसमें इसके दरमियान यानी ओवरी मौजूद हो, और ओवरी से यानी ऊपर यानी इसमें स्टाइल्स मौजूद हो, और इसमें यानी इंटीरियर पेटर्स मौजूद हो, और ये नीचे यानी इसमें ब्रैक्टियट मौजूद हो, एंड्रोगाइनोस्पोर इसमें मौजूद हो, इसमें यानी यूनिट ऑफ 2 इंटीरियर सीपल्स इसमें मौजूद हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये लेक्चर यानी ये ज़्यादातर यानी ये बोर्ड्स के पेपर में भी आता है, और इसी तरह यानी पंजाब या सिंध और मुख्तलिफ यानी बोर्ड्स के पेपर में भी आता है, और इससे यानी ज़्यादातर MCQs आते हैं यानी ईटा टेस्ट में या CCS टेस्ट में यानी CSS टेस्ट में, और भी यानी मुख्तलिफ टेस्ट में यानी इसके यानी बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो यानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जजाकल्लाह।